आ गए आप लोग? हाँ बैठिए आप। अमृता जा काका के लिए पानी लेके आ। अभी लाई। पापा का लाख लाख शुक्र है जो आप सही सलामत घर पे। ये लो काका। ये लीजिए। लीजिए। दादा संभालिए अपने आप को। दादा आप एक काम कीजिए, आप अपने रूम में जाकर ना आराम कीजिए थोड़ी देर। वही नहीं हाँ। आप दादा को यहाँ से ले जाइए प्लीज प्लीज। चलिए। डैड आप लोग जब पुलिस स्टेशन गए थे ना तो कोई ये छोड़कर गया? शारदा देशमुख। क्या है ये मिलिन? एनवेलप और इस पे आपका नाम लिखा है। मेरा? पल्लवी सचमुच बेवकूफ है। कोई नहीं क्या हुआ क्या? और फिर पुलिस ने तुम्हारे बाबा को छोड़ दिया? हाँ माँ, इसलिए मैं राघव को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बताइए ना कैसे बोलू? मैं क्या बोलू, तुम खुद देख लो। पल्लवी मेरे को तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। क्या हुआ अम्मा, आपको बुखार तो नहीं है ना? मैंने सुना है अक्सर टैटू के बाद ना थोड़ा बुखार आता है। बुखार नहीं है, बस थोड़ा सा बेचैनी हो रहा है। मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता है पल्लवी। ठीक है अम्मा, आपको कुछ चाहिए होगा तो बता दीजिएगा। चैती ज्वेल्स की ज्वेलरी पल्लवी के घर में? वही नहीं, हमारे घर के बाहर कोई लेटर छोड़ के जाता है, वो लेटर किसने छोड़ा हमें पता नहीं। और उस लेटर के चक्कर में आकर ना आप बनती हुई चीजों को बिगाड़िए मत। पल्लवी और आप कितने दिनों बाद एक हुई थी, और राघव उसने भी तो दादा को जेल से छुड़ाने में हमारी कितनी मदद की। एक छोटी सी चीज को लेकर आप अपने मन में शक मत आने दीजिए। पता कर फरहत, ये सब कैसा हुआ? अपना शोरूम से वो नेकलेस ऐसे ही चल के देशमुख हाउस नहीं गया ना, किसी ने जानबूझ के वहां रखा है। हाँ मैंने कल दरवाजे की आवाज सुनी थी रात को, लेकिन यहाँ आके देखा तो कोई नहीं था। वही नहीं, बिना चाबी के घर के अंदर कैसे आ सकता है कोई? कोई ताला तोड़कर तो नहीं आया होगा ना? क्या पल्लवी के पास अभी भी इस घर की चाबियां है? वही नहीं, आप टेंशन मत लो, मैं देखता हूं जिसने भी ये किया है ना वो बहुत ही जल्द आपके सामने होगा।
लेकिन उससे पहले अंदर आ जाओ। अभी नहीं, हम लोग इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं, बाद में आना। बस दो मिनट, मुझे फरहाद से कुछ अर्जेंट बात करनी। ठीक है फरहाद जा, और जल्दी आना। ओके। क्या हुआ भाभी? फरहाद, मुझे तुम्हारे अन्ना को थैंक यू बोलना था। तो लोगों का दिमाग खाने के अलावा और क्या खाना पसंद है तुम्हारे अन्ना को? मतलब केक, पेस्ट्री, ब्राउनी, कुछ मीठा खाना पसंद है घमंडी राव को, या सिर्फ नीम का जूस पीकर जिंदा है वो? आप अन्ना के लिए डिजर्ट बनाएंगी? हाँ, वो केक बनाने का सोच रही थी, फिर लगा तुमसे पूछ लूं। क्या पता केक वेक नहीं खाता हो तो वो केक सीधा मेरे मुंह पर फेंक कर मारे, वो भी अपनी किसी फालतू सी लाइन के साथ। क्या भाभी, आप भी ना कुछ भी। अब क्या करूं, है ही तुम्हारे अन्ना क्रैक। अच्छा ये बताओ, उन्हें क्या पसंद है? मैंगो केक बना दूं, वैसे भी आम का सीजन चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं भाभी, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, अन्ना को आम बिल्कुल पसंद नहीं है। देखा, मैंने कहा था ना ये आदमी क्रैक है, आम से कौन चिढ़ता है? करेले का केक बना दूं? नहीं भाभी, अन्ना को सिर्फ प्रोटीन केक पसंद है। प्रोटीन केक? हाँ भाभी, ढेर सारे प्रोटीन पाउडर के साथ शुगर फ्री प्रोटीन केक पसंद है अन्ना को। ठीक है, अब देखना ऐसा प्रोटीन केक बनाऊंगी ना कि लाइफ टाइम मेरे आगे पीछे घूमता रहे। भाभी, अन्ना अभी भी आप ही के आगे पीछे घूमते रहते हैं। क्या? हाँ भाभी, अन्ना की गुड मॉर्निंग भी आपके नाम से होती है और गुड नाइट भी। अन्ना सिर्फ आजकल आप ही की बातें करते हैं, आप ही के बारे में सोचते रहते हैं और आप ही के चेहरे पे स्माइल देखना चाहते हैं। और अन्ना ने जिद पकड़ ली कि एक महीने में सब ठीक कर देंगे। ए फरहाद, बाहर गार्डन में टेंट गाड़ ले, दोनों देवर भाभी रात भर गॉसिप करना, मैं यहाँ काम करने पड़ोस के चमनलाल को बुलाता है। चलता हूँ भाभी, वरना सचमुच मेरी बैंड बजा देंगे। मैडम कुछ चाहिए? हाँ, वो सर का प्रोटीन पाउडर चाहिए। जी मैम। सारी खुशियाँ संग अपने वो तेरे लिए ले आएंगे। बस हो गया, हमने बहुत बातें कर ली इस बारे में, अब सब जाके सो जा। और हाँ, विजय जी को इस बारे में कोई कुछ नहीं बताएगा। जब मैं पल्लवी से मिलूंगी उसे बात कर लूंगी। हाँ वैनी, अब बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे भी ऐसे ही लगता है कि हम इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। सब सही है, वही अच्छा है। यस सर। हाँ सर, मैं कंप्लीट। सर विल कॉल यू बैक। ओके सर। सनी जस्ट बिहेव योरसेल्फ, छोड़ो मुझे। क्यों? पहले तो मेरा यूं पकड़ना तुझे बहुत अच्छा लगता था, अब नहीं अच्छा लगता। और कुछ? हाँ, तुझे मालूम है ना, रोज शाम को तुझे ऑफिस से पिक करता हूँ। 3 घंटे से मां नीचे वेट कर रहा हूँ यार मैं, तू ना मेरा फोन पिक कर रही है, अकेले निकलना था, कम से कम बता तो सही ना यार। तो अब मुझे अपने घर जाने के लिए तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी। हो गया,
सुबह का गुस्सा शांत नहीं हुआ क्या? सनी बस करो यार, हॉलिडे ऑफिस में मेरा दिन बुरा गया, तुम जाओ यार यहाँ से। क्या बात है, मेरी बातें इरिटेट करने लग गए तुझे? क्या बात है, जब से अपने रईस भाई के बंगले में शिफ्ट हुई है तू काफी बदल गई है। हाँ हो गई हूँ मैं बंगले वाली, बदल गई हूँ मैं। और कुछ, मेरी अम्मा और भाभी का इतना इंसल्ट करके तुम्हारा दिल नहीं भरा जो भी अपनी बदतमीजी दिखाने चले आए हो यहाँ पर? वाह मिस कीर्ति राव वाह, जिस भाई के नाम से आज तक तुझे शर्म आती थी उसके पैसे क्या दिख गए तेरे तो पर निकल आए। हम जैसे छोटे लोगों की तेरी जिंदगी में ना कभी वैल्यू थी ना है और ना ही होगी। बहुत सही जा रही है तू, कांग्रेचुलेशंस। कीर्ति, मैं तुमको ही ढूंढ रहा था, तुम्हारे पास आने वाला था। अच्छा मेरे ऑफिस में ना एक छोटा सा काम है। केक का स्मेल तो बहुत बढ़िया आ रहा है मैडम, केक भी बहुत अच्छा बना है, लगता है बहुत प्यार से बनाया आपने। तुम जाके आइसिंग का सामान लेकर आओ। जी मैडम। घमंडी राव ये केक खाएगा तो क्या बोलेगा? ए साड़ी का दुकान चाल अबागुंदी, इतना अच्छा केक मैं आज तक नहीं खाया, तुम तो मल्टी टैलेंटेड निकला। आज से मेरा ब्रेकफास्ट लंच डिनर मैं यही खाएगा। ये जयदीप ज्वेलर्स का पूरा कलेक्शन है कीर्ति, तुमको जो पसंद आए ले लो, तुम्हारा बर्थडे का गिफ्ट है। कीर्ति ये हमारे बेस्ट डिजाइन्स में से एक है, देखो। जिस भाई के नाम से आज तक तुझे शर्म आती थी उसके पैसे क्या दिख गए तेरे तो पर निकल आए। मुझे कुछ नहीं चाहिए राघव। अरे ऐसा कैसा, इतने सालों के बाद हम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो गिफ्ट बनता है ना, और ये बर्थडे तुम्हारा लाइफ का दी बेस्ट बर्थडे होना चाहिए। मैं इतना बड़ा ग्रैंड पार्टी रखेगा कि पूरा हैदराबाद याद रखेगा, क्या बोलता है फरहाद? एंड आफ्टर ऑल तुम राघव राव का बहन है। जस्ट शट अप राघव, तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं और अम्मा तुम्हारे सारे गुना भूल गए? हम तुम्हारे साथ यहाँ रहते हैं, तुम्हारी बातों पर जरा सा हंस क्या देते हैं तो हम तुम्हारी फैमिली बन गए? नो मिस्टर राघव राव, मैं और अम्मा यहाँ सिर्फ और सिर्फ पल्लवी के लिए रह रहे हैं। तुम्हारे साथ नाम जोड़ना आज भी हमारे लिए घमंड नहीं बल्कि शर्म की बात है। बोझ है ये कहलाना कि हम तुम्हारी फैमिली है। राघव मेरा ना दम घुटता है यहाँ पर, and I'm sure अम्मा और पल्लवी का भी यही हाल होता होगा, क्योंकि कोई भी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। तुम सिर्फ पैसा कमाना जानते हो राघव, रिश्ता कमाना नहीं। रिश्ता तो तुम्हारे लिए सड़क पर छोटी दुकान पर बिकती हुई चीज है जो तुम अपने पैसों से खरीदना जानते हो। याद है जैसे तुमने अपना और पल्लवी का रिश्ता खरीदा था? तो आप तुम्हारा ये नाटक बंद करो भाई बहन का राघव। इतने सालों के बाद हम सब लोग एक साथ हुआ है और तुमको ये सब नाटक लग रहा है? तुम्हारे जिंदगी के बारे में, तुम्हारे बारे में अच्छा सोचना, अच्छा करना ये मेरा फर्ज बनता है। पेट्रोल तटला माटलाडा लो मचवाएगा, तुम्हारा बड़ा भाई है मैं, और कहां से सीखा है बदतमीजी? इस बहन ने अपने बड़े भाई से सीखी है बदतमीजी। Can't help it. अन्ना आपने कीर्ति बरात, मेरे को भी किसी भी बात नहीं करना है अन्ना। लेकिन मैंने बोला ना
जा। राव आता ही होगा। I just hope उसे ये केक अच्छा लगे। पर उसका भरोसा नहीं। देखते कहीं गुस्सा ना हो जाए। क्यों बनाया ना? अजीब आदमी है ना। कुछ भी कर सकता है। After all भगवान ने भी एक ही पीस बनाया। इसे बनाने के बाद वो भी शौक में चले गए होंगे। इसलिए दोबारा रिस्क नहीं लिया। कीर्ति, कीर्ति क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? क्या हुआ बता ना। अम्मा, अम्मा मुझे यहाँ नहीं रहना। हम वापस चलते ना अपने पुराने घर, पुरानी जिंदगी में। वहां सब कितना अच्छा था अम्मा। कीर्ति, जाना तो मैं भी चाहता है, लेकिन पल्लवी को राघव के भरोसे कैसे छोड़ दे? जानता है, आज पल्लवी के बाबा को पुलिस अरेस्ट करके ले गया था। क्या? जयती ज्वेल्स का एक नेकलेस उनके पास मिला। एक मिनट, आपका मतलब? मैं जो सोच रहा है, अगर वो सच निकला ना इस बार, तो उसके लिए राघव जिंदगी भर पछताएगा। ये वादा है मेरा। ये राघव कहाँ रह गया? अभी तक आया क्यों नहीं? गेस्ट रूम में भी नहीं है, घर के ऑफिस में भी नहीं है। कहाँ रह गया ये? घर के बाहर देख कर आओ, शायद गार्डन में हो। केक। थैंक यू। सच में मैं ठीक है। इंदु क्रासाव, थैंक यू। नागो समा नेने चेसानु। मैं तेलुगु में बोल रहा है, हिंदी में समझाना पड़ता है। सच में तुम मिडिल क्लास लोग यही कर सकता है, और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरे को। अरे आई डोंट केयर। ऐसे थैंक यू क्यों लिखा? ऐसा क्या देख रहा है? थैंक यू लिख के तुम वजह भूल गया क्या? तो मैं क्या, मैं बुरा इंसान है ना, और तुम बुरा इंसान से बात नहीं करता।
सही है ना? फिर ये केक बना के नौटंकी काय को कर रहा है? जब तुमको बात नहीं करने का है तो काय को कर रहा है सब नौटंकी? प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।